Pancreas secretes two hormones, maybe which are two hormones. Glucagon दो हार्मोन सीक्रेट करती है पैंक्रियास. पैंक्रियास की जो अल्फा सेल्स है वे सीक्रेट ग्लूकागॉन नाम का हॉर्मोन ग्लूकागॉन. एंड पैंक्रियास की बीटा सेल्स वे सीक्रेट इंसुलिन. तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो यहाँ पे काम में आएगा आपको अंडरस्टैंड अगर हो गया तो. नाउ लीवर, लेटेस्ट एक एग्जांपल ऑफ लीवर. लीवर जो सेल्स से बना है, लीवर इज आल्सो कॉल्ड एज लीपाय. और लीवर के सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स. हिपैटोसाइट्स ठीक है. और जो हमारी स्किन होती है, स्किन में एडिपोज टिश्यू होता है, सबको पता है एडिपोज टिश्यू. तो अगर हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा खाने में फैट है, बहुत सारा फैट हमारे बॉडी में, वो जाके स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में. तो सपोज दिस इज अवर एडिपोज टिश्यू जो स्किन के नीचे होता है. एडिपोज टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स ठीक है. तो ये लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू के सेल्स एडिपोसाइट्स. दोनों की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे स्टोर रहता है ग्लाइकोजन. ये याद रखना ठीक है. क्या होता है ग्लाइकोजन? यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन. तो जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये दोनों सेल्स हमको देते हैं, हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स. ग्लाइकोजन ब्रेक होता है ठीक है. ग्लाइकोजन ब्रेक हमको मिलता है ग्लूकोज ठीक है. ग्लाइकोजन के ब्रेक होने से हमको क्या मिलता है? ग्लाइकोजन जब सूखता है हमको ग्लूकोज मिलता है. ग्लाइकोजन यहाँ पे जाता है. नाउ ग्लाइकोजन के ब्रेक होने को हम बोल सकते हैं ग्लाइको जेनोलाइसिस. ग्लाइको जेनोलाइसिस. सपोज ये ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन के ब्रेक होने से हमको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐसा मिल रहा है कंसिडर करो. तो ये प्रोसेस को क्या बोलोगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ग्लाइकोजन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है ठीक है. ग्लाइकोजन इज ब्रेकिंग. क्यों ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे प्रेजेंट है जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है, हमें ग्लूकोज मिल जाता है, ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है ठीक है. क्लियर? नाउ इससे उल्टा प्रोसेस को कंसिडर करो. सपोज बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया, तो वो ग्लूकोज जुड़ के बन जाता है ग्लाइकोजन. उल्टा प्रोसेस इससे ग्लाइकोजन के ब्रेक होने से ग्लूकोज बना और ग्लूकोज के क्या होने से, कंबाइन होने से क्या बना? ग्लाइकोजन. सपोज हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है तो वो कंबाइन होगा और क्या बनेगा? ग्लाइकोजन. और कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टॉप हो जाएगा? एडिपोज टिश्यू और लीवर. तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा था, इसको हमने बोला था ग्लाइकोजन. अब ये प्रोसेस को क्या बोलोगे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो रहा, बन रहा है ग्लाइकोजन, बन रहा है ग्लाइकोजेनेसिस. क्योंकि जेनेसिस मतलब बनना, ग्लाइकोजन का बनना. तो ये दो वर्ड्स पर काम लेंगे आगे भी. क्या? ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना. ग्लाइकोजन के ब्रेक होने से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है. तो एक और टर्मिनोलॉजी आएगी, एक हमने देखा ग्लाइकोजेनोलाइसिस ठीक है. इसका मतलब समझ गया तुम लोगों को. देन ग्लाइकोजेनेसिस. लाइसिस मतलब टूटना, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ठीक है. और एक वर्ड आएगा ग्लूको
नियो जेनेसिस, ग्लूको नियो जेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोस, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ग्लूकोस का फॉर्मेशन, तो ये ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोस का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन जब ब्रेक होता है ग्लूकोज मिलता है ना, तो ये तीन वर्ड बार बार आएगा आगे भी, मोस्ट ऑफ दूसरे दूसरे केमिस्ट्री में आएगा कभी कभी बायो में आएगा, तो यू शुड नो द मीनिंग। ग्लाइकोजेनालाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है ग्लूकोज से, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। राइट डाउन दिस प्रोसेस, दिस इज कंसेप्ट है, और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता है ये हमको पता चाहिए, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास में एक कॉमन सेल होता है, व्हाट आर द व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियास में ये सेल्स होते हैं आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, और ये जो आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है इसके दो टाइप्स है, अल्फा सेल साइड बीटा सेल साइड, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। तो पैनक्रियास में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल सीक्रेट हार्मोन ग्लूकागॉन हार्मोन, एंड बीटा सेल्स ऑल्सो ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन। दोनों का काम देखते हैं कि ग्लूकागॉन क्या करते हैं और इंसुलिन क्या करता है। नाउ ग्लूकागॉन क्या करता है, दिस इज आवर लीवर, ग्लाइकोजन इज हियर राइट, हमने अभी देखा ना हेपेटोसाइट्स, ग्लाइकोजन यहाँ प्रेजेंट है, दिस इज आवर एडिपोस टिश्यू, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट है एडिपोस टिश्यू में, दिस इज आवर एडिपोस टिश्यू। यहाँ पे भी ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है, ठीक है। ये जो हार्मोन से पैनक्रियास सीक्रेट करेगा ना, तो जब ग्लूकागॉन सीक्रेट होगा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, यहाँ से ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, और ये जो ग्लाइकोजन ब्रेक हुआ, ग्लाइकोजन के ब्रेक होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा है, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, तो हमको क्या मिलता है, ग्लाइकोजन के ब्रेक होने से क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कम्स अंडर और ब्लड स्ट्रीम, यहाँ से ग्लाइकोजन ब्रेक होके, यहाँ से ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, हमको मिलेगा ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में। तो ग्लूकागॉन हार्मोन ने क्या किया, ये हार्मोन ने ग्लाइकोजन को ब्रेक करके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, प्रोसेस ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक किया। अब हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, क्यों है, किसकी वजह से, ग्लाइकोजन ब्रेक हुआ है, किसने ब्रेक किया, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन का काम है ग्लाइकोजन, अब ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज आ गया है, बहुत सारा मतलब हाइपर हाइपर ग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया मतलब शुगर, ग्लूकोज, हाइपर मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब शुगर। तो ग्लूकागॉन कौन सा हार्मोन है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इनसाइड द ब्लड,
क्लियर? ग्लूकोवन का फंक्शन क्या है बताओ? टू ब्रेक द ग्लाइकोजन, और ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज बन के कहां आ जाता है? ब्लड में, ठीक है? इसीलिए ग्लूकोवन इज कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसेमिक, ग्लूकोज इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट? नाउ इंसुलिन का क्या है देखो, इंसुलिन क्या करेगा? यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज है, कहाँ पे? ब्लड में हमारे, तो ये ग्लूकोज को कंबाइन करके क्या बनाता है? ग्लाइकोजन बनाता है, और ये ग्लाइकोजन को कहाँ स्टोर कर देता है? लीवर और हमारे एडिपोज टिश्यू में, मतलब एग्जैक्टली उल्टा काम कर रहा है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना के एडिपोज टिश्यू को दे देता है, ठीक है? मतलब ब्लड में से ये ब्लड में ग्लूकोज को ला रहा है, राइट? ब्लड में ग्लूकोज को ला रहा है, और ये ब्लड से ग्लूकोज को लेके जा रहा है सेल्स के पास, कौन से सेल्स के पास? हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स के पास, और उसको कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में, वहां पे वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ये जैसे ये प्रोसेस को ग्लाइकोजन के ब्रेक होने को क्या बोला था? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। वैसे ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, वेरी गुड, ग्लाइकोजेनेसिस। तो जैसे ये हार्मोन ने क्या किया, बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में डाल दिया, ये हार्मोन है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या कर रहा है? बहुत सारा ग्लूकोज है उसको वापिस ग्लाइकोजन बना रहे हैं, मतलब ग्लूकोज को रिमूव कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर रहा है एक्चुअली ब्लड में से, क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, राइट? तो इसको आप कौन सा हार्मोन बोलोगे? हाइपोग्लाइसेमिक, क्योंकि ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। तो दिस इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। जैसे ये हाइपरग्लाइसेमिक है, वैसे इंसुलिन जो है तो ये एंटागोनिस्ट हार्मोन है, अपोजिट काम करते हैं। ये ग्लूकोवन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, मेरे ग्लूकोज को कम करता है, ब्लड में ग्लूकोज है उसको अटैक करता है। नॉट ओनली ये अपने नॉर्मल सेल्स के पास भी भेज देता है, बॉडी के सेल्स के पास भी भेज देता है, तो ये एग्जैक्टली उल्टा काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे बॉडी के दोनों का डिक्रीज है, मतलब वो डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज ऐसे होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर रहा है तुम्हारा, इसलिए ये जो ग्लूकोज है ये वापिस नहीं जा रहा है। ग्लूकोज कहाँ पे रह रहा है? ब्लड के अंदर रह रहा है, ग्लूकोज लेवल ब्लड इंक्रीज, देयरफॉर डायबिटीज होता है ना। ये लिख लो हम सब देख, व्हाट आर द टू हार्मोन्स डायरेक्टली, अभी मैं हार्मोन्स का नाम लिखती हूँ, व्हाट आर द टू हार्मोन्स सीक्रेटेड द पैनक्रियास? ग्लूकोवन एंड इंसुलिन, ये दो हॉर्मोन्स हैं। ग्लूकोवन का क्या रोल है बच्चा? ग्लूकोवन ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट है बताओ? ग्लाइकोजन प्रेजेंट है लीवर एडिपोज टिश्यू, यहाँ ग्लाइकोजन प्रेजेंट है लीवर और एडिपोज टिश्यू में। तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ये, एंड द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एंड ब्रेक होने से क्या बना? ग्लूकोज बना है। तो ये बहुत सारा ग्लूकोज हमारा कहाँ आ गया? ब्लड में आ गया। तो ग्लूकोज मोर इन ब्लड, ग्लूकोज को बढ़ाता है ब्लड में ये, ठीक है? इसीलिए दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन इससे उल्टा काम करता है, इंसुलिन क्या करता है? जब ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज मोर है तो उसको कहाँ पे सेंड कर देता है? लीवर और एडिपोज टिश्यू और बॉडी सेल्स के बाद में, हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स के बाद, और फॉर्म कर देता है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन बनाता है तो प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस, एंड
तो यहाँ पे ग्लाइकोजन के ब्रेक होने से ग्लूकोज ज्यादा बना है, तो इसीलिए ग्लूकोज मोर, बट ग्लूकोज जब यहाँ से वापस जा रहा है लीवर और एडिपोज टिश्यू के पास, लेस है ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेस है, कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये हम आपको देंगे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो इंसुलिन के लिए याद रखना है ये ग्लूकोज लेवल ब्लड का कम करता है और ग्लूकोज बढ़ाता है, और दोनों की जरूरत है हमारे बॉडी को। जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा ना, कौन एक्ट करेगा? ग्लूकोज। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा तो जरूरत से ज्यादा तो इंसुलिन मिलेगा। अब डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, मैंने उस दिन हमने एक डायबिटीज देखा था, डायबिटीज इंसिपिडस, किसकी वजह से हुआ था बताओ? बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा था ना बॉडी से, ADH हार्मोन वर्क नहीं कर रहा था, एंटी डायबिटिक हार्मोन वर्क नहीं करने की वजह से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा था। तो पर्सन को बहुत थर्स्टी फीलिंग होता है, तो कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, उसका ब्लड शुगर से कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है, बट डायबिटीज मेलाइटस, ये जो डायबिटीज है ये वाला कंडीशन है जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है ब्लड में। ओके, ग्लूकोज ज्यादा हो सकता है हमारे ब्लड में, बट तुरंत इंसुलिन एक्ट कर लेता है और ग्लूकोज को कम कर देता है। डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उसमें कौन से सेंस काम नहीं करते होंगे बराबर? बीटा सेंस। तो बीटा सेंस इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट? एंड उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे ज्यादा रहेगा ब्लड में और कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज। उससे और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डायबिटीज सी नाउ। नाउ व्हाट हैपेंस डायबिटीज मेलाइटस में, हमने ऑलरेडी देखा कि बहुत सारा ग्लाइकोजन ब्रेक होके हमारे जो ब्लड वेसल है, ब्लड में, दिस इज अवर ब्लड, बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन ब्रेक होके यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, ग्लूकोज इज मोर इन आवर ब्लड, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो ये ग्लूकोज वापिस जा नहीं सकता, ग्लूकोज भी रिमेनिंग ब्लड। नाउ ग्लूकोज तुम्हारे ब्लड में, ब्लड सर्क्यूलेट हो रहा है तुम्हारे बॉडी में, व्हेन ग्लूकोज रीचेस हियर दिस पार्ट, किससे बताओ ये पार्ट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या होता है, तुमको पता है कि ब्लड जो है वो इसमें से फिल्टर होता है, लाइक वी नो, राइट? तो ये जो ब्लड है जिसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा है वो यहाँ पे फिल्टर लगा है, यहाँ से फिल्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। ओके, व्हाट हैपेंस, ये जो ग्लूकोज है ना पूरा यहाँ आ गया, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल्स को काम था उसका चाहिए था, वो कहाँ आ गया? यहाँ से क्या जाने वाला था बताओ? यूरिन। तो वो ग्लूकोज कहाँ चला जाने वाला है? बाहर चला जाने वाला है, यूरिन में से, ब्लड में तो आ गया, यूरिन में से चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज हार्मफुल है, बट हमारे बॉडी को भी ना ग्लूकोज चाहिए ना, तो पूरा ही चला जाएगा तो कैसे होगा, राइट? तो और क्या होता है कि ये यूरिन भी चल जाता है, यहाँ पे ना कुछ जो ग्लूकोज ज्यादा बच जाता है वो बनाता है कीटोन बॉडीज, वो बहुत हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, कीटोन बॉडीज ग्लूकोज से बनती है, ठीक है, हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज बन जाती है जो बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनती है और यूरिन में से निकल जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। मतलब अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो आप अगर यूरिन टेस्ट करोगे ना तो ध्यान में आ जाएगा कि डायबिटीज मेलाइटस है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे यूरिन में क्या निकलने वाला है? ग्लूकोज लेवल ज्यादा निकलने वाला है। जैसे नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज रहता है, यूरिन में ग्लूकोज रहेगा, बट जैसे नॉर्मल उसका कुछ 100 कॉन्सेंट्रेशन है, तो तुम्हारे यूरिन में अगर 500 उसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मतलब क्या समझ जाएगा कि यूरिन में ग्लूकोज है, यूरिन में ग्लूकोज क्यों है, कहाँ से आया है? क्योंकि ब्लड में, राइट, ब्लड में ऑलमोस्ट यहाँ पे 600-700 होगा कॉन्सेंट्रेशन उसका, ठीक है, फिल्टर होके, ये 600 फिल्टर होके 100 चलो बॉडी में वापिस चला,
से आया है, इसका मतलब ब्लड निकालना है। नॉर्मली कितना आता है यूरिन में, कितना होता है? अच्छा 5 लीटर आ गया, मतलब यूरिन में 5 लीटर आया, मतलब ब्लड में ज्यादा है उससे, क्लियर? तो इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज मोर है, मतलब कंडीशन इज डायबिटिक। तो दिस कंडीशन कैन बी डिटेक्टेड बाय यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से आराम से डिटेक्ट हो जाता है कि डायबिटिस मेलिटस है। ग्लूकोज निकल गया यूरिन में, मतलब डायबिटीज, मतलब कंसेंट्रेशन से ज्यादा, डॉक्टर 100 कंसेंट्रेशन में 500, 200, 300 जो भी आ जाए, मतलब डायबिटीज मेलिटस कंडीशन। इसका मतलब है ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है। और क्यों है ज्यादा? क्योंकि इंसुलिन इज नॉट वर्किंग, इसीलिए डायबिटीज मेलिटस जो है पेशेंट उनको कौन सी दवाई देते हैं? सुना होगा इंसुलिन का इंजेक्शन, क्योंकि इंसुलिन उनके बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहा है। इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा है तो ये जो ब्लड ग्लूकोज है वापिस लीवर में नहीं जा रहा है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, सो दैट ये जो ब्लड ग्लूकोज है वापिस लीवर में एब्जॉर्ब हो जाए, ग्लाइकोजन बन जाए, क्लियर? डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को इंसुलिन क्यों देते हैं? क्योंकि उनका ओरिजिनल इंसुलिन काम नहीं कर रहा है ना। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज को लेस कर, बट यहाँ पे इंसुलिन इनका काम नहीं कर रहा है, तो आर्टिफिशियल ही देते इंसुलिन। तो उनको फ्रिक्वेंटली आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है, नहीं तो उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, ठीक है? तो और ग्लूकोज ज्यादा होगा यूरिन में, तो ये बनेगा याद रखना कीटोन बॉडीज, ठीक है? ये डैमेजिंग होती है हमारी कीटोन बॉडीज। तो दिस इज द कंडीशन। डायबिटीज मेलिटस इज रिलेटेड टू पैनक्रियास, and diabetes insipidus is related to ADH of pituitary gland, posterior lobe, gland is testes, singular is TSTIS and plural is TSTS, क्योंकि पैर होता है पैर, तो अगर one है तो testes and अगर pair है तो testes. And testes are also called as gonads. Gonads के hormones को क्या बोलते हैं? Gonadotropins. So testes pair है, elongated structure है, it is covered by a sac called as scrotum. Scrotum नाम का एक sac है या फिर bag है जिसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड जब टेस्टिस का हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर कट करते हैं तो वी सी स्ट्रक्चर लाइक दिस, और ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पर मैं 2-3 ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? नाउ इनसाइड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारे लोब्स हैं, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक्चुअली ऐसा कंसीडर करो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल। व्हाट इज देयर इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? सेल्स ऑफ द epithelial cells, cuboidal epithelium, या फिर इनको हमने क्या बोला था? मेल जर्म सेल्स, या फिर और नहीं, सर्टोली सेल्स तो दूसरे इलोंगेटेड सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स इलोंगेटेड सेल्स है, इनको क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल्स और मेल स्पर्मेटोफाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट बनता है, स्पर्मेटिक बनता है, स्पर्म बनता है। तो ये स्पर्मेटोफाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट बोल सकते हो इसको, इससे स्पर्म बनता है, ठीक है? इनमें माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, ये इससे स्पर्म बनता है। तो जब स्पर्म बन जा रहे हैं ना, तो ये स्पर्म अटैच होते हैं ये सर्टोली सेल्स से, ये जो ब्लैक कलर की सेल्स है ये है सर्टोली सेल्स। तो ये स्पर्म सारे इसको अटैच हो जाते हैं, बाद में फिर बाहर रिलीज होंगे, बाहर जाएंगे वो, बट जब बन जाते हैं कुछ समय के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पे होता है लेडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, याद करो लेडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, ये सेल सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन, ठीक है?
तो टेस्टिस में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जहाँ स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पर्म्स, मेल जर्म सेल्स में क्या बनेंगे, स्पर्म्स, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट ये जो बाहर सेल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर से लैरिंक्स से इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन बोलो इसको या फिर एंड्रोजन बोलो या गोनाडोट्रोपिन, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो टेस्टिस का काम क्या है, ये टेस्टिस है टू सीक्रेट विच हॉर्मोन, टेस्टोस्टेरोन विच इज एंड्रोजन या फिर गोनाडोट्रोपिन। तो एक्चुअली फंक्शन वाइज देखा जाए तो टेस्टिस डुअल काम कर रही है, डुअल फंक्शन, दो काम कर रही है। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा काम क्या कर रही है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, दैट इज एंड्रोजन। तो ये हार्मोन का काम क्या है एक्चुअली, क्यों सिक्रीट कर रही है टेस्टिस, ये हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, टेस्टिस को मैच्योर, स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, टेस्टिस को हेल्दी रखेगा। लेकिन टेस्टिस के बाद जो होता है इंफर्टिलिटी, रैश, विक्रमण, जितने भी पार्ट्स हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन सबको हेल्दी रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। देन मेल सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी इसकी वजह से, जैसे डेवलपमेंट ऑफ बर्ड, मूस्टाच, दाढ़ी और मूंछ आना, देन एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, एडम्स एप्पल, ये हार्मोन की वजह से होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इट इज रिलेटेड, इसको मेल हार्मोन भी बोल सकते हो, टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो डुअल फंक्शन करती है टेस्टिस, सिंगल टाइप एंडोक्राइन ग्लैंड इज ओवरी, सिंगल इज ओवरी, प्लूरल इज ओवरी, पेयर होता है, राइट एंड लेफ्ट ओवरी, ठीक है। ओवरी का पहला काम है फंक्शन है कुछ प्रोड्यूस ओवम, ठीक है, वन ओवम इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो एक राइट ओवरी का ओवम बनता है, फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओर लेफ्ट ओवरी का ओवम बनता है, तो टू प्रोड्यूस ओवम, ये तो पहला काम प्राइमरी, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं क्योंकि फीमेल गैमेट बनाता है, ओवरी जो फीमेल गैमेट बनाती है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है। टेस्टिस को मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है क्योंकि स्पर्म बना हुआ है। नाउ लेट अस स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी भी ऐसी है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, बट इसका जब हम पीएस लेते हैं तो इट लुक्स लाइक दिस, इसमें मैंने ज्यादा ये इसलिए किया है एंड लास्ट क्योंकि हम लोग फॉलिकल्स देखेंगे इतना, तो एक इनिशियल फॉलिकल जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, ओके, एंड ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है ये है हमारा ओवम, तो ओवरी जो है वो ओवम बनाती है, ओवम, ठीक है। नाउ ये जो पार्ट है ओवरी का, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, नेम ऑफ दैट हार्मोन इज ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। नाउ क्या काम होगा ईस्ट्रोजन का, ईस्ट्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में दाढ़ी मूछ बर्ड मुस्टाच फॉर्म होने में हेल्प करता है, वॉइस को होल्स होने में हेल्प करता है, वैसे ईस्ट्रोजन सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड है, देन जितने भी फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स है वो डेवलप होने में क्या, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ईस्ट्रोजन हेल्प करता है।
एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन है, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवम, एस्ट्रोजन. नाउ व्हाट हैपेंस जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मतलब क्या, कि ये जो ओवम है ना ये बाहर निकल जाएगा, तो प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, दिस ग्राफियन फॉलिकल इज एम्प्टी. इसको आप क्या बोलोगे, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है. ये एम्प्टी क्यों हुआ ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि ओवम जो है वो बाहर निकल गया है, ओव्यूलेशन हो गया. नाउ दिस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स वन हार्मोन. ये तो पार्ट सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये सीक्रेट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. प्रोजेस्टेरॉन जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीमेल्स, वैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इट इज प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन. तो अगर तुम्हारे ब्लड लेवल में, ब्लड टेस्ट में अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, देन इट मींस दैट प्रेगनेंसी इज कंफर्म. अगर ज्यादा आ जाता है, क्यों, क्योंकि देखो ओव्यूलेशन हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया मतलब ओवम बाहर आ गया, अगर इसका फ्यूजन हो जाएगा स्पर्म के साथ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. अब जब ये ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है, प्रेगनेंसी रहती है, तब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये सीक्रेट करते रहता है प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को हेल्दी रखता है, ठीक है. प्रेगनेंसी हार्मोन एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, ये इसका इससे रिलेटेड है इसका काम. सो प्रोजेस्टेरॉन और ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता रहता है जब तक प्रेगनेंसी रहती है. एंड सपोज ओव्यूलेशन हो गया, ये ओवम और स्पर्म का मीट नहीं हुआ और प्रेगनेंसी नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फिर वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं करता है. कुछ दिन तक करते रहता प्रेगनेंसी में, तो कंटिन्यूस 3 मंथ्स तक करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट. और अगर नहीं रही ओवम अगर वेस्ट हो गया स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हुआ, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है. सो हार्मोन्स ऑफ ओवरी, टू हार्मोन्स ऑफ ओवरी, फर्स्ट इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरॉन. तो ओवरी के तीन फंक्शन है, टू प्रोड्यूस ओवम, सेकंड टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड थर्ड टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट सीक्रेट करता है, वो ध्यान में रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, एंड एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय दिस पार्ट ऑफ द ओवरी.